भीड़ को चीरते हुए रास्ता बना करके आगे पहुंचते हैं। जब आगे पहुंचे तो देखा कि कोई व्यक्ति मरा पड़ा है, घर कर लीजिएगा बाबा, कोई व्यक्ति मरा पड़ा है। अब जब मरा पड़ा है तो देख जैसे देखे, अरे यार मर गया, कहाँ का है, क्या होगा, इसके परिवार वाले कैसे होंगे, तमाम दिमाग में खुराफात आने शुरू हो जाते हैं और हमारा मन दुखी हो जाता है। हम उसको जानते नहीं हैं किसके घर का है, कहाँ का है, लेकिन हम कल्पना करके दुखी हो जाते हैं। वह दुख क्या है, स्थाई भाव है, जो एक सज्जन हृदय व्यक्ति के हृदय में होगा। आ यदि वही उसी रास्ते से दुष्ट जाए, हट मर गया मर जाने तो चल, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो स्थाई भाव एक सहृदय व्यक्ति के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, यद्यपि ये सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। जब ये सोए रहते हैं तो हम सामान्य होते हैं, न खुशी न गम। तो यद्यपि ये सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, तथापि उचित अवसर जैसे ही इनको समय मिलता है, ये जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं और बलवान हो जाते हैं। और जब ये बलवान होते हैं तो जैसे भाव जागृत होते हैं वैसी हमारी प्रतिक्रिया होती है। यदि जो है हास्य भाव बलिष्ठ होता है तो हम ठहाका लगा के हंसना शुरू कर देते हैं, करुण भाव जागृत होता है तो रोना शुरू कर देते हैं, और यदि श्रृंगारिक भाव जागृत होता है तो आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। तो जैसे भाव जागृत होंगे वैसी हमारी क्या होती है, मनोदशा होती है। क्लियर बाबू, परिभाषा लिख लीजिए। स्थाई भाव स्थाई भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। सदैव विद्यमान रहते हैं यद्यपि ये सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं तथापि उचित अवसर पाकर जागृत एवं पुष्ट हो जाते हैं। क्लियर बाबू। स्थाई भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, यद्यपि ये सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं तथापि उचित अवसर पाकर जागृत एवं पुष्ट हो जाते हैं। हो गया बाबू। आगे है स्थाई भाव एवं उनसे संबंधित रस। स्थाई भाव एवं उनसे संबंधित रस, एक तरफ कर लेते हैं बाबू स्थाई भाव, और
इधर एक तरफ कर लेते हैं संबंधित रस, है ना बाबू, स्थाई भाव। क्या हुआ? पहले नंबर पर आता है रति। रति रति स्थाई भाव का संबंधित रस है श्रृंगार। रति स्थाई भाव का संबंधित रस श्रृंगार है ना बाबू। ध्यान दो ना बाबू, यहीं पे इनका आगे चल के केवल हमको परिभाषाएं देखनी रह जाएंगी। अब श्रृंगार, श्रृंगार दो शब्दों से मिलकर के बना है, श्रृंग धन आर, श्रृंग धन आर। श्रृंग का अर्थ होता है काम और आर का अर्थ होता है प्राप्ति। श्रृंग धन आर, श्रृंग का अर्थ होता है काम और आर का अर्थ होता है प्राप्ति, काम प्राप्ति, है ना बाबू। तो रति का संबंधित रस है श्रृंगार। श्रृंगार कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से। श्रृंगार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काम प्राप्ति। क्लियर। दूसरा है हास, दूसरा स्थाई भाव है हास और इससे संबंधित रस है हास्य, है ना बाबू। हास भी चार प्रकार के होते हैं। हास कितने प्रकार के? चार प्रकार के। हास, मंद हास, कल हास और परिहास। हास कितने प्रकार के बाबू? चार प्रकार के, है ना बाबू। अब ध्यान दीजिएगा कि हास, मंद हास, कल हास, परिहास, यह भेद बताए हैं किसने? बताया है केशवदास ने। नाम तो सुना होगा केशवदास का। केशवदास के अनुसार हास चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? चार प्रकार के होते हैं। केशवदास के अनुसार हास कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। एक हास, हास व्यक्ति साधारण हंसी में हंसता, जैसे अभी आप लोग हंस रहे थे, है ना, वह हास है। मंद हास, जब व्यक्ति खुल के हंसता नहीं है बल्कि मुस्करा के चला जाता है, लेकिन वह भी हास ही है। कल हास, कल हास व्यक्ति जो है जिस ठहाका लगा के हंसता है खूब जोर से, काफी दूर तक सुनाई देता है, वह कलहास है। और एक परिहास है, जब कोई व्यक्ति किसी का मजाक उड़ा के हंसता है तो उसे कहते हैं परिहास। ध्यान दीजिएगा ये सभी क्या है? हास। तो हास सामान्य हंसी, मंद हास जिसको हम मुस्कराहट कहते हैं, मुस्कराना कहते हैं, कल हास जोर से हंसना यानी काफी अधिक दूर तक सुनाई देना, और परिहास किसी की हंसी उड़ाकर, किसी का मजाक उड़ाकर के हंसना परिहास कहलाता है। तो हास के कितने भेद होते हैं बाबू? चार भेद होते हैं। यानी हास कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। किसके अनुसार? केशवदास के अनुसार। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि कौन बता रहे हैं? केशवदास बता रहे हैं। क्लियर बाबू? नहीं,
तीसरा है बाबू शोक। शोक का से संबंधित रस है करुण, है ना, ये सब आप लोगों ने नवीं दसवीं में पढ़ा होगा। चौथा है क्रोध। क्रोध से का संबंधित रस है रौद्र। पांचवा है उत्साह। उत्साह का संबंधित रस है वीर, वीर रस। वीर भी चार प्रकार के होते हैं, रौद्र का तात्पर्य है क्रोध से व्यक्ति का जब चेहरा लाल हो जाता है, व्यक्ति तमतमा जाता है, तो उसे जो जिस रस की व्युत्पत्ति होती है वह रौद्र रस होता है, है ना। और उसका स्थायी भाव है क्रोध। गुस्सा आना साधारण सी बात है, है ना बाबू। क्रोध का आना, गुस्सा आना क्या है, साधारण, लेकिन यह स्थायी भाव है, यह हमेशा रहता है, परिस्थिति के अनुसार तुरंत दिखाई देने लगता है, देर नहीं लगती है। लेकिन अब जब प्रकट होता है तो किस कारण से हुआ है, तो वह किस रस में जाएगा, रौद्र रस में। अब हम चल रहे थे वीर। वीर भी चार प्रकार के होते हैं, कर्मवीर, धर्मवीर, दानवीर, है ना बाबू, तो और युद्धवीर। युद्ध कितने, वीर कितने प्रकार के बाबू, चार प्रकार के, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर और युद्धवीर, यह इनके प्रकार हैं। और इन चारों में क्या होता है, उत्साह होता है। ये सभी क्या करते हैं, अपने कार्य को उत्साह पूर्वक करते हैं, और इस वीर रस में इन चारों की व्युत्पत्ति दिखाई देती है, है ना बाबू। इन सभी के, ये सभी दिखाई देते हैं इसमें। आगे कविताओं के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे वीर रस है। तो वीर कितने प्रकार के बाबू, चार प्रकार के, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर और युद्धवीर। इतना क्लियर। छठा है भय। भय स्थायी भाव है जिसका, जिससे संबंधित रस है भयानक। ध्यान देना बाबू, अब तो बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं, भूत प्रेत को नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन अभी भी बिल्ली वगैरह से बच्चे डरते हैं, है ना। जैसे ही रात होती है बच्चे सीमा कहती है, देखो वो बिल्ली देख रही है, तब तक बच्चा हो, क्यों, भय के कारण। और जब उससे जो उत्पन्न, जिस रस की व्युत्पत्ति होती है वह भयानक रस होता है। क्लियर बाबू। सातवां नंबर बेटा, आश्चर्य। हाँ, आश्चर्य इसका संबंधित रस है अद्भुत। अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है आश्चर्य से। ध्यान दीजिए, सामान्यतः हमारे यहाँ 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट के लोग होते हैं, है ना। अब यदि कोई 14-15 फीट का आदमी आ जाए तो यार कैसे हो गया, अरे कहाँ विटामिन ही उतना विटामिन बढ़ाएगा जी, विटामिन 1-2 इंच बढ़ाएगा कि फीट में बढ़ा देगा,
है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा कि विश्वास करने योग्य होगा। और जब हम विश्वास नहीं कर पाते हैं तो सोचना शुरू करते हैं, हम आंखें फाड़ करके देखते हैं उसको और विचार करते हैं क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम साइंस के दृष्टिकोण से, धर्म की दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, लेकिन आंखों के सामने जो दिखाई देगा वह तो सत्य है। हम पढ़े हैं कि व्यक्ति 5 फीट 5.5 फीट 6 6.5 7 होगा, लेकिन 15 फीट का हो गया तो कैसे हो गया? अब वहां पर हम क्या करते हैं, उधेड़ बुन में लग जाते हैं, पलकी झपकाए बिना उसको देखना शुरू कर देते हैं। अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है, फिर भी हमको क्या करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। वह क्या है बाबू? आश्चर्य। और आश्चर्य से अद्भुत रस की भी उत्पत्ति होती है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि वह सबसे हटकर है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि वह सबसे अलग है, इसलिए वह क्या होगा? अद्भुत होगा। आश्चर्य में हम होंगे और वह क्या होगा हमारे लिए? अद्भुत होगा। आश्चर्य एक ही प्रकार का होता है, आश्चर्य के कई प्रकार नहीं होते हैं। आश्चर्य जब होगा तो आप आंखें फाड़ करके, मुंह खोल करके, आ करके देखेंगे खाली, है ना? वो अभी आश्चर्य में डूबा हुआ है। आठवां बेटा, आठवां है जुगुप्सा। जुगुप्सा इसको कहीं पर ग्लानी भी लिखा गया होता है, ध्यान दीजिएगा। आए, अरे भाई क्या करें, जो हमका बीच में छोड़ के भाग जाए का, है ना? जुगुप्सा ग्लानी, कहीं कहीं ग्लानी भी स्थाई भाव में लिखा मिलेगा, इसलिए दोनों को देख लीजिए। वैसे अधिकांश तो जुगुप्सा ही पूछता है, लेकिन हो सकता है कि कहीं कभी कभार ग्लानी दे देता है तो हम खोजना शुरू कर देते हैं कि अरे यार ग्लानी कहाँ से आ गया, है ना? तो ग्लानी इसका संबंधित रस है विभत्स। विभत्स है ना, जब व्यक्ति को घुटन महसूस होती है, दम घुटने जैसा, व्यक्ति दुखी होता है, किसी के सामने कह नहीं पाता है, किसी से अपना मंतव्य बता नहीं पाता है, अब अपने दुख को अपने अंदर ही रखता है तो उसको घुटन होने लगती है, दुख होने लगता है, उसी को जुगुप्सा या ग्लानी कहते हैं। अपने मन की बात को किसी से कह भी नहीं सकता है और अपने अंदर रख भी नहीं सकता है, वह उस समय ग्लानी का भाव उभरता है। और जिससे जो उससे उत्पन्न होता है, जिससे तो ग्लानी से जिसकी व्युत्पत्ति होती है वह विभत्स रस होता है। क्लियर बाबू? नौवां नंबर निर्वेद। अब ध्यान देना बाबू, यहां तक तो यह भरत मुनि के अनुसार था, क्रम से चल रहे हैं हम, यानी जुगुप्सा विभत्स तक किसके अनुसार? भरत, आठ रस भरत मुनि के अनुसार, आठ रस पढ़े हैं भरत मुनि के अनुसार। अब नौवां है अभिनव गुप्त के अनुसार, जिसे कहते हैं निर्वेद, है ना बाबू? और निर्वेद कार से संबंधित रस है शांत, है ना बाबू? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में शांत रस का वर्णन नहीं है और अभिनव गुप्त ने शांत रस का वर्णन किया है। यह अभिनव गुप्त का नौवां रस है। क्लियर बाबू? नंबर 10 देव विषयक रति। देव विषयक रति, अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे देव विषयक रति। अब यानी भक्ति भाव से वह क्या होगा? परिपूर्ण होगा। और इससे संबंधित रस है भक्ति। ग्यारहवां है
वत्सलता और इससे संबंधित रस है वात्सल्य। वात्सल्य यह है हमारे 11 रस, है ना बाबू। ये क्या है, 11 स्थाई भावों से संबंधित 11 रस होते हैं, जिसमें जुगुप्सा तक भरत मुनि हैं, है ना बेटा। आठवां अभिनव गुप्त और 11वां और 12वां सूरदास। जैसे जैसे बढ़ाए हैं उसी उसी क्रम में बढ़ते हुए चला गया है। क्लियर बाबू। हाँ, रति का अर्थ होता है, ध्यान देना बाबू, रति मीन्स होता है लीन होना, है ना। अब रति इस जो है श्रृंगार का अर्थ हमने काम प्राप्ति पढ़ा है, जिसका स्थाई भाव रति है। हर कोई काम प्राप्ति को कोई इच्छुक होता है, इच्छाओं को प्राप्त करना चाहता है, जो उसके मन में इच्छाएं होती हैं उसको प्राप्त करना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे श्रृंगार है ना बाबू, श्रृंगार 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के श्रृंगार रस, श्रृंगार की बात मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे 16 श्रृंगार होते हैं। स्त्रियों के श्रृंगार पे चला जाए तो 16 श्रृंगार होते हैं, है ना। लेकिन इसको मिटा देना, श्रृंगार के जो संबंधित रस है उस पे हम चल रहे हैं। श्रृंगार के 11 भेद होते हैं, संयोग, वियोग, संयोग वियोग, पूर्वानुराग, ध्यान देना बाबू, पूर्वानुराग, आयोग, संभोग, है ना, संभोग, विप्रयोग, विप्रयोग।